हाय फ्रेंड, आज आपके लिए आया हूँ बहुत मज़ेदार वीडियो, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कटे या पुराने फटे जो पेपर हमारे होते थे, जिन्हें स्कैन करने में और उसे साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए आज मैं बहुत मस्त वीडियो लेके आऊँ। हाय, मेरा नाम है रजनीश, आप देख रहे हो लक्स डिटेल स्टूडियो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें, जिससे आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले देखने को। अगर हमें फेसबुक के पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करें, फॉलो बटन ऊपर आ रही होगी। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देख सकते हो, एक हमारा ये पुराना पेपर हमने स्कैन कर रखा है, ठीक है, ये बहुत पुराना सा है। तब ऐसे हम लेके चल रहे हैं PS3 पे, फोटोशॉप पर। देख सकते हो बहुत ही ये पुराना सा दिख रहा है। तो इसे हम सिंपल तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से आपको मैं सेट करना सिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ चले जाएंगे इमेज पे। इमेज पे आने के बाद, इस बाले पर जाने के बाद, इसे हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद हल्का सा इसे डार्क कर देंगे, और इसे हल्का सा डार्क कर देंगे, और इसे हल्का सा डार्क कर देंगे, और ऐसे हल्का सा इधर कर देंगे। ठीक, इतना करने का देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट हमारा हो गया इस तरीके का, ठीक है। और इस पर चले जाएंगे, इसे हल्का सा डाउन कर देंगे, और इसे हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम सिंपली आ जाएंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एल दबाने के बाद इसे हम हल्का सा डाउन कर देंगे, और इसे भी हल्का सा डाउन कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे 3 डॉट आ रहे हैं, देख सकते हो ध्यान से, ये हमारे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से हम सबसे लास्ट वाला इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो मैजिक जो हम दिखाने वाले हैं, इस पर जाके और माउस से राइट क्लिक कर देंगे, देख सकते हो, ठीक। और एक बार और कर देंगे, ठीक, और इसे हम हल्का सा बीच वाले को डाउन कर देंगे। और देख सकते हो इस तरीके से हमने ये सेट कर दिया है, और हमारा जो हल्का सा और आ रहा है, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ चले जाएँगे, ठीक है, और इस वाले पर चले जाएंगे। इसे हम कंट्रोल एम से भी निकाल सकते हैं, और ठीक इस हिसाब से हल्का सा इसे डाउन कर देंगे, ठीक। डाउन करने के बाद अब हम आ जाएंगे सिंपली यहाँ इस वाले टूल पे, इस वाले टूल पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। इसमें देख सकते हो तीन टूल दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर वाले पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक, और इसे हम कर लेंगे बड़ा, ठीक है। अब हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, देख सकते हो इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। करने के बाद जो हल्का सा हमारे आ रहा था, इस वाले पर चले जाएंगे, ठीक है, और इसे जाके यहाँ इस वाले के इतने को कॉपी कर लेंगे, और कंट्रोल एल पे चले जाएंगे, ठीक है, और सिंपली से उसी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो इस तरीके हमारा हो गया होगा, और आप एक बार फिर चेक कर सकते हो, एकदम मस्त तरीके से ये हमारा हो गया तरीके, ठीक है। अब हमारा जहाँ कहीं भी रह रहा है, उसी तरीके से इसे यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, और कंट्रोल एल दबा देंगे, और इस पर क्लिक कर देंगे, और सिंपली यहाँ चले जाएंगे इसी वाले पे, और देख सकते हो इस तरीके से सेट ये हमारा हो जाएगा, और इसे हम हल्का सा सेट कर देंगे, ठीक है। वही हमारा इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ भी वही कर देंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे, और इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसे हम हटा देंगे इस तरीके से, ठीक, ठीक, और इसे हम हल्का सा डार्क कर देंगे, और इसे क्लिक कर देंगे, ठीक। इस तरीके से हमारा हो गया है, लेकिन हमारा लाइट कम आ रही, तो इसके लिए हम इस पर चले जाएंगे इस वाले टूल पर। इस वाले टूल पर जाने के बाद, और सिंपली यहाँ देख सकते हो ये हमारे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस वाले पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो सिंपली हमें ये बीच वाले पर रखना है, इस वाले टूल पर, ठीक, और इसे हमें डार्क कर देना है, ठीक, पूरे पिस पे हमें घुमा देना है, ठीक। इस तरीके से हमने, देखो ये घुमा दिया हमारा, देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये सेट हो गया है। तो वीडियो की स्क्रिप्ट ना क्या करें, आपको अगर वीडियो स्क्रिप्ट करो तो आपके समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ मैंने कब सेट करी है, ठीक। देख सकते हो मैंने इस तरीके से इस फाइल को तैयार कर दिया है। अब हम पुरानी फाइल पहले से हम सेव कर लेंगे इस तरीके से, ठीक, और जाके अपने जिस भी जगह आप सेव करना चाहते हो वहाँ सेव कर सकते हो, ठीक है। तो
सम फाइल को हटा देंगे, मैंने यहाँ से सेव कर लिया और अपनी जो फाइल है इसे हम एक बार क्लिक करके देख सकता हूँ। देख सकते हो इस तरीके फाइल मैंने सेव कर ली है। और जो हमारी दूसरी फाइल है उसे भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। अब आप देख सकते हो इस फाइल और इस फाइल में कितना फ़र्क है। ठीक है, ऐसी ट्रिक और ऐसी वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें, इससे आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहा करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कुछ नए अंदाज में, कुछ नई वीडियो लेके, कुछ नया सिखाने के लिए।